गुड मॉर्निंग 11th क्लास बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.1। बेटा ये वो चैप्टर है जो 10th क्लास में आपने एपी सीरीज के बारे में पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये वही चैप्टर है। तो इसके अंदर हम एपी सीरीज, जीपी सीरीज इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम एक्सरसाइज 9.1 करते हैं, ठीक है। 9.1 एक्सरसाइज निकालो बेटा आपने, देखो एक्सरसाइज 9.1 देखो बेटा। 9.1 स्टेटमेंट रीड करो पहले। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 से लेकर 6 तक, हुज nth टर्म आर गिवन, जिसकी nth टर्म गिवन है। देखो an, n, n प्लस 2, an है, an, an, an गिवन है। तो कहता है क्या है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। तो फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल के दिखा दो। तो मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, देखो फर्स्ट करा देता हूँ, सेकेंड अपने आप करना है, थर्ड अपने आप करना है, फोर्थ भी, मैं फिफ्थ और सिक्स, फर्स्ट फिफ्थ और सिक्स करा देता हूँ, सेकेंड थर्ड फोर्थ अपने आप करना है, ओके। देखो ये फर्स्ट एन गिवन है, कह रहा है इसके अंदर से फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करके दिखा दो। तो सॉल्यूशन, पहले आप क्या करें, एन की जगह 1 पुट कर दें, जहाँ पर भी एन आ रहा है वहाँ एन की जगह 1 लिख दो, तो वो हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। एन की जगह 1 प्लस 2, 1 और 2 कितना बन गया, 3, ये हमारी फर्स्ट टर्म। एन की जगह 2 पुट कर दो, तो राइट एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू प्लस 2, 2 प्लस 2 4, सो 2 4 जा 8, ओके। एन की जगह 3 लिख लो, एन की जगह 4 और एन की जगह 5 पुट कर दो, एन की जगह 3 लिख दो, 3 प्लस 2 तो यहाँ से 3 और 2 5, 3 5 जा 15, एन की जगह 4 पुट कर दें, 4 प्लस 2 यहाँ से 4 और 2 6, 4 6 जा 24, एन की जगह 5 पुट कर दें, 5 प्लस 2 यहाँ से 5 और 2 7, 5 7 जा 35। दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, ओके बेटा, क्लियर दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल स्टार्ट हेयर क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन इज सॉल्यूशन, पुट एन इज इक्वल 1 माइनस 1, एन की जगह 1 लिख दें, तो 1 माइनस 1 इज 0, 5 एन की जगह 1 और 1 2, ओके। किसी की भी पावर 0 तो वो 1, और 5 स्क्वायर इज 25, ओके। एन की जगह 2 पुट कर दें, एन इज 2 माइनस 1, एन 2 माइनस 1 इज 1, 5 2 और 1 इज 3, तो -1 की पावर -5 क्यूब 5 5 25 25 को 5 से 125, ओके। एन की जगह 3 पुट कर दो, एन की जगह 4, एन की जगह 5, एन की जगह 3 रख दें, -1 3 -1 इज 2, और राइट हेयर 5, एन की जगह 3 3 और 1 4, -1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 पावर 4, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 125 625 आ जाएगा। एन की जगह 4 पुट कर दें, -1, एन की जगह 4 4 माइनस 1 इज 3, 5 एन की जगह 4 4 और 1 5, सो -1 क्यूब -5 पावर 5, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 5 25 125 625, 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 2 5 2 10 और 2 12, 5 6 30, 3 1 2 5 आ जाएगा, ओके। एन की जगह 5 रख दो, -1 पावर 5 -1 इज 4, 5 पावर 6, तो -1 की पावर अगर इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, ओड पावर है तो माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, इसको फिर से 5 से करेंगे तो 5 5 25 आ जाएगा, 2 5 2 10 और 2 12, 1 5 1 5 और 1 6, 5 3 15, अगर हम 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और दिस इज आवर फिफ्थ टर्म, दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, ओके।
देखो ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स इज ए एन इज गिवन एन एन स्क्वायर प्लस फाइव बाय फोर। फर्स्ट फाइव टर्म फाइंड करनी है फोर टेन इज इक्वल टू वन। सो वन वन स्क्वेयर प्लस फाइव डिवाइड बाय फोर। वन स्क्वेयर वन और फाइव सिक्स डिवाइड बाय फोर कैंसिल। टू थ्री सिक्स टू टू ज फोर थ्री बाई टू। दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। टू टेन इज इक्वल टू टू हियर टू टू स्क्वेयर प्लस फाइव डिवाइड बाय फोर टू। टू स्क्वेयर फोर एंड फाइव नाइन डिवाइड बाय फोर। टू टू ज फोर सो नाइन बाय टू। दिस इज आवर सेकेंड टर्म। एन इज थ्री 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 स्क्वेयर प्लस फाइव डिवाइड बाय फोर। थ्री स्क्वेयर नाइन नाइन और फाइव फोर्टीन डिवाइड बाय फोर। और टू सेवन फोर्टीन टू टू ज फोर थ्री सेवन ट्वेंटी वन डिवाइड बाय टू। फोर टेन इज इक्वल टू फोर तो राइट हेयर फोर फोर स्क्वेयर प्लस फाइव डिवाइड बाय फोर। फोर फोर स्क्वेयर सिक्सटीन सिक्सटीन और फाइव ट्वेंटी वन डिवाइड बाय फोर। ओके एंड बोथ फोर आर कैंसिल ट्वेंटी वन। फोर टेन इज इक्वल टू फाइव हेयर फाइव फाइव स्क्वेयर प्लस फाइव डिवाइड बाय फोर। फाइव फाइव स्क्वेयर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव और फाइव थर्टी डिवाइड बाय फोर। टू वन टू टू फाइव टेन टू टू जा फोर फिफ्टीन फाइव जा सेवेंटी फाइव डिवाइड बाय टू। दिस इज आवर आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज सेवन टू टेन हुज एनथ टर्म्स आर गिवन। कह रहे एन वाली टर्म गिवन है। देखो चारों क्वेश्चंस में कह रहे जो इंडिकेट है नंबर वो फाइंड करना है। सेवन्थ क्वेश्चन ए एन गिवन है फोर एन माइनस थ्री ए सेवनटीन ए ट्वेंटी फोर फाइंड करना है। तो सेवन एट नाइन टेन चार क्वेश्चन सेम है। दो में कराता हूँ दो अपने आप ठीक है। सेवन्थ और नाइन्थ में करा देता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आप अपने आप करें। ए सेवनटीन ए ट्वेंटी फोर निकालना है इसमें ए नाइन निकालना है। ओके देखो सो क्वेश्चन नंबर सेवन स्टार्ट करते ए एन गिवन है फोर एन माइनस थ्री ए सेवनटीन ए ट्वेंटी फोर फाइंड करके दिखाना है। ओके सॉल्यूशन तो n की जगह यहाँ पे 17 पुट कर दें। ए 17 फोर 17 माइनस थ्री। ओके इनको सॉल्व करें फोर सेवन ट्वेंटी एट फोर वन फोर टू सिक्स माइनस थ्री ठीक है माइनस कर दो 65। सो n की जगह 24 पुट कर दें ए 24 इज इक्वल सो फोर n की जगह 24 लिख दो और माइनस थ्री फोर फोर जै सिक्सटीन फोर टू एट और वन नाइन माइनस थ्री नाइन्टी सिक्स माइनस थ्री इज नाइन्टी थ्री। दिस इज राम आंसर। ये सेवनटीन्थ टर्म हो गई ये ट्वेंटी फोर्थ टर्म आ गई। ओके ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है। देखो ए एन गिवन है ए नाइन हमने फाइंड करके दिखाना है। सो सॉल्यूशन एन की जगह नाइन पुट कर दो ए नाइन माइनस वन पावर नाइन माइनस वन इज एट सो नाइन क्यूब। अगर इवन पावर है तो प्लस कर दो ओड है तो माइनस। नाइन की थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई नाइन नाइन जा एट्टी वन एट्टी वन को नाइन से नाइन वन नाइन नाइन एट सेवेंटी टू सेवन ट्वेंटी नाइन। ओके दिस इज योर आंसर। दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीट। ऐसे ही हमारा टेंथ क्वेश्चन है। ओके बेटा ट्राई योर सेल्फ। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन करते हैं इसके पार्ट टू में। ओके थैंक यू।